हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम निकल रहे हैं जिब्बी से तुंगासी धार। तो ये है दोस्तों टू लिटिल मार्क्स प्रॉपर्टी। तो आप लोग यहाँ पे कभी भी आके कैफ़े में एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही रहने के लिए भी पूरा यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं। तो एनी टाइम जब भी जिब भी आए तो टू लिटिल मार्क्स ज़रूर जाएं। और सुबह सुबह कैफे में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए यहाँ से एक नई लोकेशन गढ़ा गुशैनी की तरफ। और गढ़ा गुशैनी के रास्ते में ये पूरे का पूरा रास्ता आइस फॉर्मेशन हो रखी थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था गढ़ा गुशैनी का। और ये था छोटा सा प्यारा सा बाजार गढ़ा गुशैनी का। और यहाँ मिला हमें सुजल, और सुजल के साथ हम यहाँ से निकल पड़े एक नई अनएक्सप्लोर्ड जगह तुंगासी धार की तरफ। ये है दोस्तों गढ़ा गुशैनी से तुंगासी धार की तरफ जाने वाली सड़क। अभी आए हम इन्नर सराज में, और इस खूबसूरत नज़ारे के बीच में ये सड़क नदी के साथ आगे बढ़ती गई और हम अपनी मंजिल तुंगासी धार की तरफ बढ़ते चले गए। और थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें मिली ये आइस नीडल्स, बहुत ही खूबसूरत। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन का टेम्परेचर भी माइनस में चल रहा है इस पूरे एरिए का। और ये पूरी जो सड़क है ये पूरी ऑफ रोड है। जो तो लास्ट का ये पैच है 3-4 किलोमीटर का, ये तो बिल्कुल ही अभी जिसको बोल सकते हैं कि भी मशीनरी लगी हुई है, बिल्कुल ताज़ी ट्रेस है। पर ये है कि बड़ा ज़बरदस्त ऑफ रोड है। तो ये है दोस्तों इन्नर सराज का खूबसूरत सा एक पहाड़ी गांव, जिसमें क्या नाम है जगह का, ठनास। और यहाँ दिखा हमें पहाड़ी लिविंग स्टाइल, किस तरह से ये लेडीज अपने पशुओं के लिए चारा लेके आ रही हैं। विंटर्स में काफी स्ट्रगल हो जाता है पहाड़ों में रहना। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। और टॉप के आते ही हमें फर्स्ट स्नो नजर आई, और सड़क पे थी ये पूरी जमी हुई ब्लैक आइस। और ये था दोस्तों एंड पॉइंट जहां पर हमने गाड़ी खड़ी करी। और फिर यहां से लगभग 15 मिनट की हाइक है ऊपर टॉप तक जाने के लिए। तो आइए चलते हैं इस खूबसूरत नज़ारे के बीच से होते हुए तुंगासी टॉप। ये है दोस्तों तुंगासी धार टॉप, बहुत ही खूबसूरत। तो ये है दोस्तों तुंगासी महादेव, तुंगासी टॉप। बहुत ही खूबसूरत 360 व्यू यहाँ टॉप से आपको मिलता है। इन्नर सराज का ये बहुत ही शानदार मिडो। ये है दोस्तों प्राचीन मूर्तियां जो पत्थर पर उकेरी गई हैं। और ये है तुंगासी महादेव असली पिंडी के शिल्पी। अच्छा, इसके नीचे है। अच्छा साझा होता है।
अच्छा, तो ये है दोस्तों तुंगासी महादेव शिवलिंग। अभी भाई ने बताया कि जो असली पिंडी है वो इस पत्थर के नीचे है और वो महीने में एक ही बार निकाली जाती है। साल में? अच्छा, साल में एक ही बार निकाला जाता है। तो ये है दोस्तों तुंगासी महादेव। और दोस्तों यहीं साथ में है माँ बूढ़ी नागिन का मंदिर। जय माता दी। और दोस्तों ये सामने धुंध के बीच में एक जो चोटी हमें नजर आ रही है ये है शिकारी देवी टॉप। ये है दोस्तों खूबसूरत व्यू तुंगासी धार का। बहुत ही खूबसूरत नजारा सराज का। ये है दोस्तों तुंगासी धार और इसके बारे में मुझे पंकज ने बताया था कि जंजैली के साथ ऊपर को ये गड़ा गुसैनी करके इन्नर सराज का एरिया पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अनएक्सप्लोर्ड है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत है। धौलाधार रेंज का ये हिस्सा बेहद खूबसूरत है। इसमें आपको इसी तरह के हाई अल्टीट्यूड मिडोज मिल जाते हैं और यहाँ से ग्रेटर हिमालय का व्यू बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त। और आज थोड़ा क्लाउडी होने की वजह से काफ़ी फॉग भी है, पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ आने के लिए आपको या तो आप बंजार से गड़ा गुसैनी आएँ या फिर आप जंजैली से, सुंदरनगर से जंजैली और जंजैली से ये लगभग 12-13 किलोमीटर की सड़क है, थोड़ी ऑफ रोड है पर लेकिन जगह बिल्कुल एक नंबर। आप देखिए क्या खूबसूरत ये मिडोज़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और टॉप पर आकर है महादेव का और नागिन माता का मंदिर, तो बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों यहाँ तक सड़क बनी हुई है पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप हाइक करके भी आ सकते हैं। लगभग 3 या 4 घंटे का जो आपका रहेगा ट्रैक जंजैली से और गड़ा गुसैनी वाली तरफ से लगभग 2-2.5 घंटे का ये ट्रैक है। बहुत ही प्यारी साइट है, बहुत ही खूबसूरत। ये है दोस्तों खूबसूरत नज़ारा तुंगासी धार का। तो चलिए अब चलते हैं वापस जंजैली की तरफ। तो थैंक्स टू पंकज एंड सुजल जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों अब निकलते हैं वापस घर की तरफ। तो आई होप दोस्तों आपको ये खूबसूरत नज़ारा देखकर मज़ा आया होगा और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए बने रहें हिमालयन पैंथर पर और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।